अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। तो आज हमारे पास एक D313 का मोनो सर्किट है, ये MP3 बनी हुई है जो कि एक 8 इंच के स्पीकर पे। तो इसकी सप्लाई जो है ये जल गई थी और दोबारा हम इसकी सप्लाई लगा रहे हैं, और उसके कनेक्शन जो है मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कनेक्शन जो है इस किस्म की जो आपकी किट होती है D313 की उस पे किस तरह कनेक्शन होते हैं। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, एक तो मेन सप्लाई आ रही है जो कि मेन लीड है, एक उसकी लीड जो है आपके एक ट्रांसफार्मर के साथ लगेगी और दूसरी जो है आपने उसके स्विच जो है उसका आपने बनाना है, ठीक है, ताकि आप जब स्विच ऑन करें तो वो सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाए और कनेक्ट हो जाए अगले ट्रांसफार्मर के साथ, क्योंकि ये मेन एसी जो लीड होती है उसी के साथ स्विच लगा होता है। तो ये मैं उस स्विच का कनेक्शन लगा रहा हूँ और एक तार जो है वो मैंने पहले लगा दिए। तो ये यहाँ पे हमें हमारी जो सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर तक पहुँच गई है, और अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे तो जो कटअप हो जाएगी। तो उसके बाद जो अगला मरला है नाज़रीन, इसकी सप्लाई के जितने भी वोल्टेज हैं ट्रांसफार्मर के, ये 25x25 और सिंगल 12, ये उस पे वर्क करता है। 12 वोल्ट वो होते हैं नाज़रीन जो आपके इस MP3 जो है जो मॉड्यूल है उसको जो रन करता है उसको ऑन करता है, और आगे 5 वोल्ट की IC लगी होती है, वो मैं आपको नाज़रीन स्टेप बाई स्टेप चेक करवाऊँगा। और 25x25 वोल्ट वो होते हैं जो कि D313 आउटपुट जो है उसको, जो हमारी हाई बेस है उसको जो है ये सप्लाई देते हैं और हमारी आवाज़ जो है वो यहाँ पे क्लियर होती है। तो नाज़रीन जी आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट हैं, ये दो तारे जो ट्रांसफार्मर की लगी होती हैं ये 12 वोल्ट की हैं, और उसके बाद अगले 3 कनेक्शन होते हैं उनमें जो है दो एक कलर की तारें होगी और एक जो है वो किसी और कलर की। तो वो जो किसी और कलर की होगी, जिस तरह रेड है हमारे पास और दो येलो हैं, तो वो रेड जो है हमारी कॉमन होगी और दो येलो जो हैं वो हमारी 25x25 वोल्ट की होगी। आप नाज़रीन देख सकते हैं ये अलग-अलग, ये 25 और ये 25, ये दोनों। और अब नाज़रीन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये 25 कहाँ पे लगते हैं, 25 वोल्ट और 12 वोल्ट जो सिंगल होते हैं जो कि हमारी MP3 को रन कर रहे हैं वो कहाँ पे है, उसका कनेक्शन कहाँ पे होता है इस किस्म की जो किट आ रही है उस पे। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 डाइवोर्ड लगे हैं और इन 4 डाइवोर्डों के दरमियान जो जमा माइनस और जमा माइनस, ठीक है, और दो जो कनेक्शन होते हैं वो एक तरफ जो है वो प्लस और एक तरफ माइनस होता है। तो ये दो कनेक्शन जो हैं ये आपकी दो तारें 25 और 25 वोल्ट की दोनों की ये जो हैं यहाँ पे लगेंगी, और कामन जो है नाज़रीन जहाँ पे भी आपका ग्राउंड चल रहा है, ठीक है, जिस तरह के दरमियान वाली IC लगी हुई है और उसका एक दरमियान वाला पॉइंट जो है वो ग्राउंड होता है, तो नाज़रीन मैं आपको बिल्कुल ऑन स्क्रीन जो है यहाँ पे वो लगा के दिखाऊंगा। ये 12 वोल्ट ये भी आपको लगा के दिखाऊंगा, उसके बाद जो है 25 वोल्ट वो भी लगा के दिखाऊंगा। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 25x25 और ये 12, ठीक है, ये कामन है इसका, ये आप देख सकते हैं ये कामन, और एक तार जो है आपकी यहाँ पे कामन पे आप लगा लें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और दूसरी इसके साथ ही कनेक्शन बना हुआ है, ये आगे डाइवोर्ड लगा हुआ है और ये 12 वोल्ट जो है ये AC हैं और उसको DC बनाने के लिए आगे डाइवोर्ड और एक कैपेसिटर लगा होता है इसी के आगे बिल्कुल, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा नाज़रीन। तो ये हमारा यहाँ पे DC 12 वोल्ट जो है ये ऑपरेट, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कैपेसिटर के साथ ये डाइवोर्ड लगा होता है, और ये डाइवोर्ड जो है इस वोल्टेज को जो AC वोल्टेज आ रहे हैं उनको DC में तब्दील कर देगा और आगे कैपेसिटर जो है उसको सपोर्ट देगा। तो नाज़रीन ये हमारा एक मरला जो है यहाँ पे 12 वोल्ट वाला वो तो कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा आ जाता है जो 25x25 वोल्टेज हैं। तो ये नाज़रीन देख सकते हैं एक जो है दो येलो कलर की हैं और एक जो है वो रेड की, तो येलो कलर जो है ये वोल्टेज है 25x25 के, और जो रेड है वो कामन है यहाँ पे ग्राउंड है, और ये आपके सामने नाज़रीन इस किस्म के सर्किट पे यहीं पे ये कनेक्शन होंगे जिस तरह के मैं यहाँ पे इन कनेक्शन को कर रहा हूँ।
तो आपने बिल्कुल सेम टू सेम जो है इसी तरह लगाना है। और कॉमन जो है नाजरीन, आप अगर ट्रांसफार्मर के दोनों मतलब जो 12 वोल्ट हैं और एक 25 वोल्ट हैं, इनको अगर कॉमन करना चाहें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि एक तार जो है उसी पे मैंने इस कॉमन को भी लगा दिया, क्लियर कर दिया है। और मैं नाजरीन आपको भी वोल्टेज जो है इसके चेक करवाऊँगा, एसी भी और डीसी भी, और लगा के आपको ऑन करके भी बताऊँगा कि यहाँ पर और कोई इशू तो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा। और उसके बाद मैं इसकी साउंड जो है वो भी नाजरीन आपको सुनवाऊँगा। नाजरीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये काविश जो है ये ज़रूर पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसमें मैं आखिर तक बहुत ही काम की बातें जो है बताने वाला हूँ कि आपने इसको किस तरह रन करना है, किस तरह चलाना है। ये आप नाजरीन देख सकते हैं कि हमारा जो MP3 है वो रन हो चुका है, वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे ये 5 वोल्ट जो क्लियर हैं, तो ये आप नाजरीन देख सकते हैं ये 12 वोल्ट, ठीक है। और अब मैं इस रेंज को जो है वो कम करके यहाँ पे लेके जाऊँगा नीचे। ये आप ये 25 वोल्ट, ये नाजरीन देख सकते हैं 25 25। और उसके बाद मैं DC जो है ये आपको नाजरीन चेक करवाऊँगा, ये वोल्टेज, ये यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले जो लीड्स लगाई थी, जो दो तारें लगाई थी, ये नाजरीन आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट जो है यहाँ पे MP3 जो है ऑपरेट हो रही है 5 वोल्ट पे। आगे IC लगी होती है, तो ये 5 वोल्ट जो है ये नाजरीन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा मरला है वो कम्प्लीट हो चुका है, वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी आउटपुट का जो है वो मैं आपको नाजरीन बताऊँगा कि इसकी आउटपुट जो है वो किस तरह क्लियर होती है और किस तरह जो है वो हमने इसके कनेक्शन करने हैं। तो नाजरीन आउटपुट के लिए जो है जहाँ पे हमने स्पीकर लगाने होते हैं, वो एक ट्रांजिस्टर का जो है वो एमीटर और एक का कलेक्टर, ठीक है। ये हमारी यहाँ वहाँ से जो है वो अगर कॉमन हो, एक उनका पॉइंट हो, तो एक स्पीकर की तार जो है वहाँ पे आपने लगानी और दूसरी जो है आपने ग्राउंड कर देनी है, जिस तरह के मैंने यहाँ पे कॉमन AC जो है वो रेड वायर जो ग्राउंड की थी उसी के साथ बेशक आप कर दें, और अगर चाहें तो फिर दूसरी के साथ कर दें। लेकिन वो ग्राउंड जो होता है हमेशा एक ही तरह का होता है, तो जिस मर्ज़ी के साथ जो है आप ग्राउंड जो है टच कर दें स्पीकर की जो वायर है उसकी। और दूसरा जो है जहाँ पर जो ट्रांजिस्टर दो हैं, एक का एमीटर है और एक का कलेक्टर, तो वो पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे आप स्पीकर के दूसरी तार लगा दें। तो नाजरीन वो मरला भी बखैर खूबी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जितने भी न्यू टेक्नीशियन हैं वो यहाँ से कुछ सीख जाएँ, क्योंकि इसमें इल्म को फैलाना जो है वो सदका जारिया है। और हमारी वीडियो देख के अगर उनमें से कोई एक बंदा भी सीख सकता है, अपना रोज़ी रिज़िक जो है वो कमा सके, तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारी वीडियो को ज़रूर देखें नाजरीन, ये आपके लिए है और इसमें आपका बहुत फ़ायदा है, खुसूसन जो न्यू टेक्नीशियन है, जिनको कुछ शौक़ है, तो वो हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश जो है रहगा नहीं जाएगी, आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे। और नाजरीन अभी मैं इसको ऑन करके भी आपको बताऊंगा, आपको आवाज़ जो है इसकी वो भी सुनवाऊंगा। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, नाजरीन आप इसकी साउंड सुनिएगा और बिल्कुल जो है ना ये 100% जो है ये कन्फर्म हो चुका है यहाँ पर। तो अभी मैं इसको लगा रहा हूँ और आप नाजरीन ये देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Try.